हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज आप लोगों को RRTS की अपडेट देने वाला हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लेके मोदी नगर साउथ के स्टेशन के बीच में कितना काम कंप्लीट हो चुका है उसकी, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इसको क्रॉस करके मेरठ वाली साइड में ये देख सकते हो, यहाँ पे ये एक पिलर है जो पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे पिलर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम चल रहा है। और एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके मोदी नगर की साइड में यहाँ पे पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो एक्सप्रेसवे से पहले के जो पिलर्स हैं मोदी नगर की साइड के, वो देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं, लेकिन इस साइड में अभी कोई लॉन्चर नहीं लग रहा है। आगे की साइड में आने के बाद ये एक पिलर रह गया जिसके ऊपर यहाँ पे पिलर कैप का जो काम है वो किया जाएगा। तो ये रहा वो पिलर जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, जिसके ऊपर पिलर कैप का जो काम है वो किया जाएगा। और आगे की साइड के ये जो चार पिलर्स हैं इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो यहां से आगे की साइड में रोड के इस तरफ जो पिलर्स हैं वो देख सकते हो अभी यहां पे बनाए जा रहे हैं। और ये आ गया मेरठ साउथ का स्टेशन। तो इस स्टेशन का जो कॉनकोर्स लेवल है वो मेरठ की तरफ पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है और यहां पे अब पिलर्स को ऊपर की साइड में एक्सटेंड करके उनको आपस में यहाँ पे कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये देख सकते हो आगे की साइड में कॉनकोर्स लेवल के ऊपर यहाँ पे फ्लोरिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। स्टेशन से निकलने के बाद के जो पिलर्स हैं वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग वाले यहाँ पे ये जो पिलर्स हैं इनको आपस में यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन आगे की साइड में देख सकते हो यहाँ पे पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। और इस साइड में यहाँ पे अभी कनेक्ट किया जा रहा है। तो अभी तक जो पिलर्स थे वो रोड के लेफ्ट साइड में थे और बीच में थे, लेकिन यहाँ से आगे की साइड में जो प्लेयर्स होने वाले हैं वो सिर्फ रोड के बीच में होने वाले हैं। तो इस साइड के भी यहाँ पे ये जो प्लेयर्स हैं ये पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी अभी कोई लॉन्चर नहीं लग रहा है। और ये आ गया EDFC और यहाँ से आगे की साइड में भी ब्रिज को क्रॉस करके जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए हैं। देखा आप लोगों ने, यहाँ तक पिलर्स को बनाने का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे ऊपर की साइड में लग रहा है लॉन्चर जो बढ़ रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन की तरफ पिलर्स को आपस में कनेक्ट करता हुआ। और आगे की साइड में ये जो यहाँ पे वायडक्ट बन के रेडी हो गया है, ये 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है जो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो यहाँ तक पिलर्स को आपस में कनेक्ट करने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है और इस साइड में भी ऊपर की तरफ लॉन्चर लग रहा है। और यहाँ से आगे की साइड में भी जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं।
इस साइड के पिलर्स थे जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे। तो यहाँ पे जो पिलर्स थे वो रोड के बीच में थे, लेकिन आगे की साइड में ये आ जाता है यहाँ पे बम्बा, तो यहाँ पे इसका पुल है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में तो पिलर्स नहीं बनाए जा सकते थे, इसीलिए यहाँ पे साइड में पिलर्स बनाए जा रहे हैं। तो बम्बे के दोनों साइड में यहाँ पे जो पिलर्स बनाए जाएंगे वो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी फाउंडेशन का जो काम है वो कम्प्लीट हो गया है। बस ये वाला एक पिलर रह गया है जो अभी पाइलिंग वाली स्टेज में है, और बम्बे को क्रॉस करके जो पहला पिलर होगा जो रोड के बीच में होगा उसके ऊपर पिलर कैप का काम रह गया है, और आगे की साइड के सारे पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं। बस बीच में यहाँ पे एक पिलर रह गया है जो अभी बनाया जाएगा। और आगे की साइड में आने के बाद ये लग रहा है यहाँ पे लॉन्चर, तो इसने छोटा सा वायडक्ट यहाँ पे तैयार कर दिया है। लेकिन आगे की साइड में आने के बाद यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो देख सकते हो यहाँ पे अभी बन के रेडी नहीं हुए। और आगे की साइड में आने के बाद वापस से यहाँ पे कुछ पिलर्स हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन से पहले। अब थोड़ा ही आगे की साइड में रह गया है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन, तो उससे पहले ये देख सकते हो यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये रहे वो पिलर्स जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे जो मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन से पहले बन के रेडी हो चुके हैं, और स्टेशन से पहले यहाँ पे लग रहा है लॉन्चर। और यहाँ से स्टार्टिंग होगी मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन की, तो स्टार्टिंग के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर आर्म्स को बाहर की साइड में एक्सटेंड कर दिया गया है कॉनकोर्स लेवल के लिए। और ये अभी पहला पिलर है जिसके ऊपर आर्म्स को बाहर की साइड में एक्सटेंड किया जा रहा है प्लेटफॉर्म वाले लेवल के लिए, और इन दोनों पिलर्स के ऊपर आर्म्स को बाहर की साइड में कॉनकोर्स लेवल के लिए भी और प्लेटफॉर्म वाले लेवल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे की साइड में अभी काम चल रहा है आर्म्स को एक्सटेंड करने का, और इस स्टेशन का जो वायडक्ट है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। यहां से आगे की साइड में स्टेशन से निकलने के बाद के जो पिलर्स होने वाले हैं वो देख सकते हो अभी यहां पे बनना स्टार्ट नहीं हुए, यहां पे अभी सारे पिलर्स पाइलिंग वाली स्टेज में है। और यहां पे चल रहा है पिलर की फाउंडेशन बनाने का काम, और आगे की साइड में मैक्सिमम पिलर की फाउंडेशन का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। बस बीच बीच में एक दो पिलर रह गए जो अभी यहां पे रेडी किया जाएगा। और आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहां पे पिलर्स रेडी हो चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी यहाँ पे प्लर कैप का जो काम है वो किया जाएगा। अब मोदी मिल से पहले देख सकते हो यहाँ पे प्लर्स के ऊपर प्लर कैप बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्लर ऐसे हैं जिनके ऊपर प्लर कैप का जो काम है वो कर लिया गया है। और अब यहाँ से आगे की साइड में
पिलर्स तो बन के रेडी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पिलर कैप का जो काम है वो इन सारे पिलर के ऊपर किया जाएगा। तो मोदी नगर के बीच में यहाँ पे पिलर बनाने का जो काम था वो लेट स्टार्ट हुआ था, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पिलर्स रेडी नहीं हुए हैं, लेकिन अब पिलर की फाउंडेशन का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। मोदी मिल से आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। आगे की साइड में आने के बाद यहाँ पे वायडक्ट रेडी हो गया है, लेकिन इस साइड में कोई लॉन्चर नहीं लग रहा है। लेकिन वायडक्ट के दूसरी साइड में लॉन्चर लग रहा है, तो इस लॉन्चर ने मोदी नगर साउथ के स्टेशन तक पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे बनाया जा रहा है मोदी नगर साउथ का स्टेशन, तो इस स्टेशन के सारे पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है वो चल रहा है आर्म्स को बाहर की साइड में एक्सटेंड करने का, और मोदी नगर साउथ के स्टेशन से लेके ईस्टर्न पेरिफेरल की जो अपडेट है वो आप लोगों को मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो बस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक दे देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करना सब्सक्राइब ऐसे प्रोजेक्ट्स की रेगुलर अपडेट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।